हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक सरप्राइज। अब आप सोचो कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको एक बार एक दिखा देती हूँ कि ये किस चीज के लिए बनाया जा रहा है। ये देखिए और ये देखिए, हाँ और ये देखिए। आप गैस कर सकते हैं कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, ठीक है, चावल दाल उनके साथ भी खा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके घर में सब्जी भी नहीं है कोई, तो आप वैसे भी खा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। चटनी जो कि चटपटी होने के साथ साथ पूरी न्यूट्रिशियस भी है और आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होगी। मगर आपने ये तो पूछा नहीं कि मैं किस चीज की चटनी बनाने जा रही हूँ। हाँ, आप कहेंगे टमाटर, धनिया, लहसुन और अदरक और मिर्च तो पड़ी है, तो इसी की बना रही होगी। जी हाँ, मैं इसकी चटनी तो बना ही रही हूँ, लेकिन उसमें जो मेन जो हमारा सब जो चटनी का राजा है वो है अलसी। अलसी, अलसी का आपको पता ही है कि बहुत बहुत गुणकारी है ये हमारे लिए। एक तो फाइबर का काम करती है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, ठीक है, और ओमेगा 3 है, ठीक है। ऐसे तो हम अलसी को खा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो बच्चे भी नहीं खाते वैसे ऐसे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे चटनी के रूप में बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला जो हमें चटनी के लिए सामान चाहिए वो है अलसी, ठीक है। अलसी ले ली हमने। लहसुन की हमने देखो 6 कलियां ले ली है, छील के मैंने इसे ये कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, ठीक है। लहसुन ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया हरा धनिया जिसे मैंने धो के कट कर लिया है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में। और मैंने एक छोटा सा 1 इंच का लगभग अदरक लिया था, उसे भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये मैंने 2 हरी मिर्ची ली हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा ज्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो और चटनी, ये चटनी में और हरी मिर्च मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 मिर्च से भी अभी काफी तीखा हो जाता है, ठीक है। और मैंने ये लिया फ्रेंड्स 1 टमाटर लिया, ठीक है, और मैंने उसे ऐसे काट लिया। और चटनी के लिए हमें चाहिए थोड़ा पानी और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट की चटनी कैसे बनानी है। सब अब आपने इन सबको काट लिया है फ्रेंड्स, इसे जार में डालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें अलसी हम ऐसे नहीं पीस सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, मैंने तवा रख दिया है और तवे पे ये हमने अलसी ऐसे डाल के इसे भूनना है। फ्रेंड्स जब भी हम अलसी की चटनी बनानी है या अलसी को हमने यूज करना है ना, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अलसी जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, तो उसका कोई यूज भी नहीं होगा। जब अगर हमें डाइजेस्ट नहीं होगी तो हमें इसे पहले तो इसे रोस्ट करना है, भूनना है। देखिए धीमी धीमी आंच पे, अभी थोड़ी देर के बाद हमारी जो अलसी है वो डांस करेगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी अलसी का कलर थोड़ा थोड़ा, ये देखिए डांस स्टार्ट हो गया अलसी का। तो इससे पहले कि ये ज्यादा डांस करे, हमें इसको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इसे कर दिया कवर और अपना गैस कर दिया कम। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरा डांस हो रहा है इनका अलसी का, और ये ही हमें चाहिए। बस इस स्टेज पे आके हमें गैस बंद कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने अलसी को डाल दिया मिक्सर जार में, और इसमें जाएगी ग्रीन चिली, ठीक है, जिंजर, ये हमारा टमाटो, और ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर, और ये हमारे लहसुन, ठीक है। इन सबको डाल के फ्रेंड्स ये सारे चले गए इसके अंदर। अब हम अपने सॉल्ट को डालेंगे इसमें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसमें हमने डालना है थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड इसे अब हम पीस लेते हैं। तो हे गाइस, देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी बनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसी बनी है। गजब गजब। अगर सब्जी भी नहीं है ना आपके पास, कुछ भी नहीं है, बस इस रोटी के साथ इसे
एकदम खाइए, और मतलब आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा, और आपकी जो बॉडी है उसको भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चटनी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।